नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद्य। दिल्ली कैपिटल्स टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां टीम ने आईपीएल 2023 में अपने खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए अब एक बड़ा फैसला किया है। टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व बल्लेबाज प्रियम गर्ग को अब टीम में शामिल किया है। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन करती नजर आई है, और शायद यही वजह है जहाँ बीच सीजन में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है। इससे पहले खबरें निकल कर आ रही थी कि दिल्ली कैपिटल्स ने अभिमन्यु ईश्वरन और प्रियम गर्ग को ट्रायल के लिए बुलाया था और दोनों ने टीम के साथ ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी लिया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियम गर्ग को टीम में शामिल कर लिया गया है। तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी इंजरी की वजह से इस सीजन से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर एक बल्लेबाज को टीम में जगह दी गई है। बात करें अगर प्रियम गर्ग की, तो वो कई सीजन तक आईपीएल खेल चुके हैं। इसके अलावा वो इंडिया अंडर 19 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कोलकाता के खिलाफ खेले गए मैच में आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीत हासिल की, जिसके बाद टीम के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हो गए हैं। लेकिन टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं रहा, ऐसे में अब ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बल्लेबाजी इस सीजन में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पृथ्वी शाह पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहे हैं, इसके अलावा सरफराज खान भी कुछ खास नहीं कर पाए, तो वहीं यश धूल और ललित यादव ने भी काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। विदेशी बल्लेबाजों में केवल एक डेविड वार्नर ही है जो लगातार रन बनाने में कामयाब है, और टीम का मिडिल ऑर्डर तो लगातार फ्लॉप नजर आ रहा है। ऐसे में बीच मिड सीजन के अंदर दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ा फैसला दिल्ली कैपिटल्स ने अब ले लिया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।